हेलो स्टूडेंट्स आर यू ऑल आई अंजलि शर्मा वेलकम यू ऑल टू योर ओन यूट्यूब चैनल तो यहाँ पे आज हम लोग डे टू में क्लास ट्वेल्व ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने वाले हैं आज हम लोगों ने प्रिपेयर करना है बेंस एल फ्रॉम हाइड टलोवीन यस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो जल्दी से समझ लेते हैं क्या है ये तो आज का हमारा एजेंडा क्या है टू कन्वर्ट इंटू बेनजेल्डी हाइट सो यह डायरेक्ट कन्वर्जन की तरह से भी आपको एग्जाम में आ जाता है या सिंपली इट इज अ मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ बेनजेलडी हाइट फ्रॉम टोलोइन सो बेसिकली यहां पर हमें क्या करना है हमें टोलुवीन को रिएक्ट करवाना है एसेटिक एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सी आर ओ थ्री क्रोमियम ट्राई की प्रेजेंस में हमें टोलोवीन को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाना है और जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी बेंज़ एल्टी हाइट नाउ व्हाट इज टोलोवीन टोलोवीन बना लेते हैं स्ट्रक्चर सबसे पहले एरोमेटिक रिंग और सी एच अभी इसका रिएक्शन हमें करवाना है एसेटिक एनहाइड्राइड के साथ व्हाट इज दिस एसिटिक एनहाइड्राइड बनाना आता है आप सभी को एसेटिक एनहाइड्राइड अगर नहीं आता है तो मैं अभी बता देती हूँ तो एसिटिक एनहाइड्राइड के लिए सबसे पहले आपको दो एसेटिक एसिड एसेट के मॉलिक्यूल्स लिख लेने हैं सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ डैश ओ एच मैं मतलब आपको इस तरह से समझाने वाली हूँ कि आपको याद रहे आप लोग भूलें ना उस चीज को आपको क्रैम ना करना पड़े तो दो मोल्स लेंगे सी एच थ्री डैश सी डबल बॉन्ड O डैश ओ एच इसकी हमें डिहाइड्रेशन एसिटिक एनहाइड्राइड बनाना है मतलब यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है हम लोग उसे खत्म कर देंगे माइनस एच टू ओ कैसे एक एसिटिक एसिड acid के मॉलिक्यूल से एच जाएगा और दूसरे से जाएगा OH क्या रिमूव हो गया ये हमारे लिए यहां से वाटर मॉलिक्यूल में बस बचा डैश सी डबल बॉन्ड ओ डैश ओ और यहां से क्या बचा सी एच थ्री डैश सी डबल बॉन्ड ओ अब ये देखो ये जो ऑक्सीजन ये वाला ऑक्सीजन है इस कार्बन के साथ अटैच तो चला गया ये कार्बन का एक वैकेंसी हो गया अब इसी तरह से ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन था वो भी चला गया तो ऑक्सीजन की इधर से एक बॉन्ड खत्म हो गई और उधर से कार्बन की ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और ये एसिटिक एसिड एसेट से हमारे पास क्या आ गया एसिटिक एनहाइड्रो ये क्या आ गया हम लोगों के पास एसिटिक एनहाइड्राइड अब इसी टॉलोवीन को हमें इस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाना है टोलोवीन को थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते टोलोवीन सी एच थ्री जब भी हम लोग ये जो बॉन्ड्स है जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको एकदम एक्सपैंड करके लिख लेते हैं तो चीजों को समझना आसान हो जाता है तो ये हमने ले लिया टोलोवीन एड क्या करेंगे इसमें ये एसिटिक एनहाइड्राइड सी एच थ्री डैश सी डबल बॉन्ड ओ डैश ओ सी डबल बॉन्ड ओ डैश सी एच थ्री ये है हम लोगों के पास स्ट्रक्चर एसिटिक एसिड का लेकिन जो हमारी बुक्स रहती हैं उनमें कई बार इस तरह से भी लिखा होता है सी एच थ्री सी ओ ओ सी ओ सी एच थ्री इस तरह से भी लिखा रहता है या इस तरह से लिखा रहता है सी एच थ्री CO, सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री सी ओ कितनी बार आया दो बार और एक इसके साथ टैच है विद ऑफ कॉमन ऑक्सीजन तो एसिटिक एसिड आसेट को इस तरह से या इस तरह से भी बुक्स में लिखा रहता है लेकिन हम लोग इस तरह से करेंगे रिएक्शन जो है वो आसानी से समझ आ जाएगा अब ये रिएक्शन होना है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एनहाइड्राइट सी आर ओ थी क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड अब ये जो क्रोमियम ट्राई ये हमारे पास ये जो क्रोमियम ट्राई है ये है माइल्ड सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये जो पूरा रिएक्शन है अब यहां पे टोलोवीन की होनी है ऑक्सीडेशन टोलोवीन की क्या होगी ऑक्सीडेशन वॉट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन इन वेरी सिंपल टर्म्स सिंपल टर्म्स में हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीवेशन क्या है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दोनों स्टेप्स होंगे ध्यान से देखना अब ये जो टलुवीन है ये हाइड्रोजन में इसमें कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ अटैच है दो हाइड्रोजन जो है यहां से चली जाएंगी ठीक है एच टू रिमूव हो गया अब यह, यहां से हाइड्रोजन निकला यहां से हाइड्रोजन निकला H2 ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा H2O तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लूज हो जाएगा आपका बचा क्या एरोमेटिक रिंग कार्बन ये एक साइड पे हाइड्रोजन एज इट इज है ये कार्बन की दो बॉन्ड्स जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं अब क्या होगा नेक्स्ट ये जो हमारी एनहाइड्राइड है इसमें ये जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हो जाएगी बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगी और अभी क्या होगा ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खत्म हो गया इधर से ये कार्बन का एक बॉन्ड खत्म हो गया तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा इस कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ने के बाद इस कार्बन के साथ बॉन्ड जो है बना लेगा तो ये ऑक्सीजन इसके पास आ गया ऑक्सीजन के साथ क्या लगा है सी डबल बॉन्ड हो और इसके साथ क्या लगा है सी एच थ्री दैट्स इट अब ये जो हमारा पोर्शन बचा C डबल बॉन्ड डी अब ये कार्बन का बॉन्ड भी खाली हो गया यहां से इस कार्बन का हाइड्रोजन चला गया देखो ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ जो कार्बन का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था हाइड्रोजन के साथ वो तो टूट गया अब कार्बन का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किसके साथ बन रहा है ऑक्सीजन के साथ आप देख सकते हो दर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन के साथ ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच हो गया अब इसी तरह से क्रोमिक एनहाइड्राइड हमने यहां पे डाला है सी एर डाला है जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहाँ पे ये एक ऑक्सीजन प्रोवाइड कर और ये जो ऑक्सीजन इसने प्रोवाइड किया है ऑक्सीजन कितनी बॉन्ड्स बना सकता है दो बॉन्ड्स बना सकता है सो so, इस ऑक्सीजन ने क्या किया एक बॉन्ड जो है इस कार्बन के साथ बना लिया और एक बॉन्ड बनाएगा ये इस कार्बन के साथ और साथ में क्या लगा हुआ है डबल बॉन्ड ओ सी तो ये हमारे पास एक एडिशनल कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है इट इज जेमिनल डायसिटेट जेमिनल अभी क्या होता है ये चीज भी देख लीजिए देखो अगर तो हमारे पास एक कार्बन एटम है एक कार्बन एटम के साथ कोई दो सिमिलर ग्रुप्स लगे हुए हैं कोई भी दो सिमिलर ग्रुप्स, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी एक ही कार्बन के साथ जब दो सिमिलर ग्रुप रहते हैं तो इसे कहा जाता है ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है जेमिनल अगर दो एडजेसेंट कार्बन के साथ वो ऐसे ही सेम ग्रुप्स लगे हों जैसे जो आर लगा है ये पहले कार्बन पे लग गया और दूसरे पे क्या लग गया दूसरा आर या सेकेंड और थर्ड वाले कार्बन तो साथ साथ लगते जो एडजेसेंट कार्बन है अगर उनके साथ सिमिलर सिमिलर ग्रुप लगे हो तो उसे कहा जाता है विसिनल अगर एक ही कार्बन के साथ दो एक जैसे ग्रुप्स लगे हों उसे कहते हैं जेमिनल अगर कंजेकेटिव मतलब साथ साथ लगते हुए कार्बन के साथ एक जैसे ग्रुप्स लगे हो तो उसे कहा जाता है विसनल। तो ये जेमिनल क्या क्या है, विसनल क्या है? इसे भी याद रखें और ये जो कंपाउंड है इसका अदरवाइज नेम है डायसिटेट ये हम लोगों के पास है बेजाइलीडीन डायसिटेट जो है कंपाउंड बन गया मतलब ये अभी एक इंटरमीडिएट स्टेट है ये कॉम्प्लेक्स बना है अभी अभी next क्या करेंगे next हमें करवाना है इसका hydrolysis, मतलब hydrolysis, what is hydrolysis? Addition of water. लेकिन ये हम लोग बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इन एक्सेस ऑफ अ बेस अभी बॉन्ड्स किस तरह से ब्रेक होगी एक तो ये जो सारा कंपाउंड है ये मतलब कि कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन में जो बॉन्ड था यहाँ से ब्रेक होगा और इधर से ये कार्बन और ये ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा बाई प्रोडक्ट्स आपको क्या मिलने वाले हैं देखो यू हैव सी एच थ्री जो रिमूव हो रहा है डैश सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ से बॉन्ड खाली हो गई वाटर एड हम लोगों ने किया एच डैश ओ -oh. एच यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और ये इसके साथ क्या आ जाएगा ओ एच oh. इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या है सी एच थ्री डैश सी डबल बॉन्ड ओ डैश ओ अब इस ओ के साथ यहाँ से क्या है? जुड़ जाएगा वाटर से एच तो यहाँ से दो एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे जो कि फर्दर यूज होंगे एनहाइड्राइड बनेगा और दोबारा से जो रिएक्शन है वो आगे से आगे चलता रह सकता है तो अभी यहाँ से समझ आया रिमूव क्या हुआ एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गई एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक आया ओ एच एसटिक एसिड सी एच थ्री सी ओ ओओ यहाँ से आया OH, एच और ये भी एक मॉलिक्यूल और एसिटिक एसिड का जो है वो रिमूव हो गया अभी, अभी आपके पास बचा क्या एरोमेटिक रिंग बॉन्ड्स सी एच डबल बॉन्ड ओ और ये क्या बन गया बेंजेल्डी हाइड सो इस तरह से टोलवीन को अब बेंजेल्डी हाइड में आसानी से और बड़े ही अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं सो दैट वॉज द रिएक्शन जो आज हम लोगों ने किया है एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन टोलवीन को हम लोग किस तरह से बेंजेल्डी हाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं अभी जो नेक्स्ट हम लोगों ने करना है वो इससे भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है नेक्स्ट हमने करना है इटार्ड रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है किस तरह से आता है वो मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में डे थ्री में फिर डे फोर में हम लोगों ने करना है एल्डोल कंडेंसेशन, डे फाइव में हम लोगों ने करना है कैन रिएक्शन तो मतलब एक से एक खतरनाक रिएक्शन जो हैं हम लोगों ने करने हैं खतरनाक इन द टर्म्स कि इंपॉर्टेंट है मुश्किल नहीं है ये आपको मुश्किल लगा नहीं लगा मतलब मुश्किल कुछ नहीं लगेगा इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट हम लोग कवर करते चलेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ और हमारे सब्सक्राइबर्स को एटलीस्ट सबसे पहले 50 के तक तो पहुँचाइए मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट जो है डेवलप करते रहें लेकिन हम लोगों को और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ शेयर आर चैनल एज मच एज यू कैन और इसी तरह से हमें अपना प्यार देते रहिए अभी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में